हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से कुछ कैश के स्टॉकों की बात करूँ। कैश के स्टॉकों में L&T हाउसिंग फाइनेंस, GSFC, एस्टर हमने 52-54 पे भी बोला था, और उसके बाद जो कंपनी है टेलब्रॉस ऑटो, और ये सारे जितने भी कंपनियां दिख रही हैं, ब्रिगेड ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, इसमें भी थोड़ा सा बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। तो ओवरऑल इन ये सारे स्टॉक ब्रेकआउट वाले लिस्ट हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनकी चार्ट स्टडी करके आप अपने स्टडी और अपने व्यू पे इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए। GSFC, FCL, भारत वायर 18 रुपये पे, ये हमने डिस्कस किया था बहुत पहले, लेकिन अभी भी ये स्टॉक इस लेवल पे भी ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक जो है, जो अच्छे चलने वाले हैं, उसमें RCA, फैक्ट, GSFC, L&T हाउसिंग फाइनेंस, इनमें एक उम्मीद की जा सकती है कि अच्छे खासे निचले लेवल से ब्रेकआउट देखी गई है। और ये स्टॉक लाइक जो 67 रुपीज़ का हाई है, इसको क्रॉस करेगा तो और भी बड़ी तेजी कर सकता है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 56-58 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है लगभग 72-77 रुपीज़ का एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो इजीली 5-10% की तेजी इसमें देखे जाने की संभावनाएं हैं। और फैक्ट को अवॉइड करेंगे, फैक्ट फर्टिलाइजर में GSFC अच्छा है, RCF अच्छा है, RCF 50 रुपीज तक एक मूव हो सकती है, और भी बहुत सारे स्टॉक हैं। तो आज उन स्टॉकों पर ध्यान देना है जो पिछले हफ्ते के हाई को ब्रेक कर रहे हैं। तो UFO मूवी में भी आप ध्यान दे सकते हैं, ये स्टॉक अंडर बेटन स्टॉक है और बहुत लोअर वैल्यूएशन पे आ गया है, लेकिन फंडामेंटल इसके अभी थोड़ा सा ख़राब है मीडिया सेक्टर के, इस कारण से ये स्टॉक टूट रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में इसमें और भी तेज़ी देखी जा सकती है। तो कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अच्छे हैं, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के पर्पज़ से ठीक है। तो उसमें GSFC, L&T हाउसिंग फाइनेंस अच्छे लगते हैं इस लेवल पे। तो ये आपके स्क्रीन पे लिस्ट है, इन लिस्टों में से आप देख सकते हैं जिनकी एनालिसिस आपको चार्ट पे जो अच्छा लगता है उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। तो ये रहा व्यू कैश के स्टॉकों पे एनालिसिस। तो ये भी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।